आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है मेथी दाना और मेथरे में फ़र्क। मेथी दाना और मेथरे में क्या फ़र्क है और मेथी दाना कौन से पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं और मेथरे कौन से पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिबा उस्मान है। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। करंटली आई एम वर्किंग विद रिहैब पॉली क्लिनिक जोहर टाउन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है मेजर डिफरेंस बिटवीन मेथी दाना और मेथरे। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, लोग मेथरे की जगह मेथी दाने का इस्तेमाल कर लेते हैं और कहते हैं कि हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ा और हमें जो चीज़ आपने वीडियो में बताई थी वैसे नहीं हुई या प्लान में जो चीज़ लिखी थी वैसे नहीं हुई। तो लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेथरे और मेथी दाना के दोनों के फंक्शन भी डिफरेंट हैं और मेथरे और मेथी दाना इस्तेमाल करने के तरीके भी डिफरेंट हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले मेथी दाना, तो मेथी दाना आपका वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है कि आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव करता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए मेथी दाना बहुत अच्छा है, हाइपरटेंशन के लिए मेथी दाना बहुत अच्छा है, लेकिन इसके तरीका और लेने का तरीका डिफरेंट है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन है। लेकिन अगर वही पेशेंट हाइपरटेंशन का मेथरे का इस्तेमाल करेगा तो मेथरे जो है ना बॉडी में हाइपरटेंशन के मरीज़ों के लिए नहीं अच्छा, क्योंकि वो बॉडी का मेटाबॉलिज्म तो नो डाउटली एक्टिव करता ही है, लेकिन वो फर्दर डेजिग्नेस डायरिया या वोमिट या एब्डोमल क्रैम्प्स करता है, क्योंकि पेशेंट्स जो हैं उसको हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल नहीं करते। मेथरे का इस्तेमाल बहुत लिमिटेड अमाउंट में डाइट में करना चाहिए। ऑल दो मेथी दाने का इस्तेमाल ऑस्टियोआर्थराइटिक के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उनको जोड़ों के दर्द जिनको होते हैं, जो डायबिटिक हैं और जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टो आर्थराइटिक के मरीज जिनको जिनकी बोन हेल्थ अच्छी नहीं है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल भी वो पेशेंट इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर वो उसको अकॉर्डिंग टू कंसल्टेंट से कंसल्ट करके उनकी बॉडी मास के लिहाज से उनकी ग्राम सेट होंगी, जैसे डोज सेट होती है, उसका इस्तेमाल उस तरह कीजिएगा। मेथरा जो है वो मोस्टली जो है पेशेंट को रिएक्ट कर जाता है, एलर्जेंस क्रिएट कर जाता है, बहुत से पेशेंट उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, उनको उसका साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आने लग जाते हैं। और अगर बात करें मेथी दाने की, तो मेथी दाना ऑल दो हर सिचुएशन और हर तरीक़ेकार से मेथी दाना मेथरे से बेहतर है, क्योंकि मेथी दाना आपका फैट लॉस में भी काम देता है, वेट लॉस में भी काम देता है और सबसे बड़ा आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी बहुत अच्छे तरीके से करता है। मेथरे ज़्यादा इस्तेमाल मेथरों का आपकी किडनी स्टोन्स पे भी इफ़ेक्ट होता है, आपको यूटीआई का ऑन एंड ऑफ भी उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा रोल अदा है। बहुत ज़्यादा जो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि मेथी दाना और मेथरे, वो अपनी तरफ से मेथी दाने का इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन होता वो मेथरे है। तो काइंडली इस चीज़ को ज़रूर देखिए, आप सर्च करें या किसी भी शॉप पे जाएं, वो आपको दो तरह के दिखाएंगे और उसमें मेथी दाना जो मेथरे है जो जिसका जो जिसकी शेप्स थोड़ी सी जो है ना थोड़े सब बड़े होते हैं और मेथी दाना थोड़ा स्मॉल साइज़ के होते हैं और वो जैसे दानेदार टाइप के होते हैं, तो आपको इसमें खुद फ़र्क नज़र आ जाएगा और इसमें आपको खुद पता चल जाएगा कि मेथी दाना हमें लेना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। जो आम रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए मेथी दाना ज़्यादा अच्छा है, फॉर डाइट, फॉर वेट लॉस, फॉर एक्टिव मेटाबॉलिज्म, ऑस्टियोआर्थराइटिक के पेशेंट्स, डायबिटिक के पेशेंट, ये वो कोशिश करें मेथरे के बजाय मेथी दाना का इस्तेमाल करें। और हाइपरटेंशन के लिए भी मेथी दाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको इस सेंस में भी कह सकते हैं क्योंकि पेशेंट को अवेयरनेस नहीं होती कि हम मेथी दाना और मेथरे में से किस तरह ऑब्जर्व करें, तो कोशिश करें कि किसी से कंसल्ट कर लें, नहीं तो किसी डाइटिशियन के पास जाकर एटलीस्ट आप अपना डाइट प्लान सेट करें जिससे ये पता चल सके कि आपको कितने ग्राम किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है और कितना न्यूट्रास्यूटिकल आप अपनी डाइट में ऐड करना है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन या फिज़िकल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो marham.pk की वेबसाइट या एप्लीकेशन के थ्रू आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं। शुक्रिया।